एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है बाय विदेशियाई यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी अभी एक खबर निकल के आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने समाचार पत्र की ई वेबसाइट को ओपन कर दिया है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय और जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, उन सभी की जो UGPG की आने वाली परीक्षाएँ जो कि कोरोना के कारण इस समय स्थगित हुई हैं और काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप सभी की परीक्षाएँ हो पाएंगी या फिर आप सभी को प्रमोट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी संबंध में यहाँ पर अभी अभी एक खबर अखबारों में निकल के आई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट ये निकल के की और यहां पर लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड और यूनिवर्सिटीज की जो एग्जाम्स हैं वो 20 मई के बाद उस पर निर्णय लिया जाए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यानी जो UGPG के एग्जाम्स है उसको लेकर जो पूरी खबर यहां पर निकल के आ रही है उसको बताने से पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूज निकल के आई है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यूज है और यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने ये बताया है कि 20 मई तक कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखा जाएगा, यानी अगले एक सप्ताह के बाद कोरोना की स्थिति का आकलन किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों से बात की जाएगी और यदि परीक्षा कराने की स्थिति नहीं हुई, यानी कि अगर संक्रमण लगातार जारी रहा इस महीने में भी और अगले महीने में भी, तो ऐसी दशा में UGC की गाइडलाइन जो आगे आएगी उस गाइडलाइन के अनुसार सभी बच्चों को प्रमोट करने पर विचार किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये बात लिखी हुई। तो स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात लिखी हुई वो ये है कि 20 मई के बाद जितने भी सरकारी विभाग हैं सभी सरकारी विभाग समीक्षा करेंगे स्थिति की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे और मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आप सभी की परीक्षाएं अगले माह में प्रारंभ होने वाली हैं या फिर आप सभी को UGC की आने वाली गाइडलाइन के अनुसार प्रमोट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप सभी को मात्र एक सप्ताह का और इंतजार करना है, 20 मई के बाद यहां पर निर्णय आने वाला है और उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी यूनिवर्सिटीज से सरकार पूछेगी कि आप सभी लोग परीक्षाएं कराएंगे या फिर आप सभी लोग अपने बच्चों को UGC की गाइडलाइन के अनुसार प्रमोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पल पल की अपडेट के लिए आप जरूर चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही इस बीच कहीं से भी कोई अपडेट आती है किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा आपको सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।